वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3, दैट इज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स होते हैं, प्लांट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है और एनिमल्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। पहले देखते हैं एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपनी जैसी ही कोई नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देन बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ए सेक्सो रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा होता है, सेक्सो रिप्रोडक्शन। पहले देखते हैं ए सेक्सो रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल कॉल्ड द ए सेक्सो रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना एक सिंगल पेरेंट से बिना किसी सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट से, मींस जो है इसमें कोई भी सेक्स सेल जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उससे नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ए सेक्सो रिप्रोडक्शन। अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा में होता है, बडिंग किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, स्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है, राइजोपस में होता है, और रीजनरेशन किसमें होता है, प्लेनेरिया में होता है। देन हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ टू पेरेंट्स, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना दो पेरेंट्स से। कौन कौन से दो पेरेंट्स होंगे, एक फीमेल होगा और एक कौन सा होगा, मेल होगा। इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, और इसमें क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। एग्जाम्पल देखते क्या होता है, एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग, रैबिट, लॉयन, क्रो, फ्रॉग, फिश, कैट, डॉग, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एक एक रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ए सेक्सो रिप्रोडक्शन की। अभी हमने देखा था ए सेक्सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ए सेक्सो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय 6 डिफरेंट मेथड। 6 अलग अलग मेथड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि पहला है फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिनेटिव प्रोपोगेशन। सबने इसके बारे में सुना होगा, बट किसी को ये नहीं पता रहता कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आता है, अंदर आता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। जहां भी ये सारी चीजें लिखी हुई समझ लो वहां पे बात किसकी की गई है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई, इसका मतलब वहां पे किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन क्या होता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ फिजन अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। फिजन में क्या होता है, एक यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेक्सुअल का मतलब होता है सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्प्लिट होता है, स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना या डिवाइड होना। ब्रेक डाउन होता है उससे क्या होता है, दो या उससे भी ज्यादा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिजन। नेक्स्ट फिजन आर टू टाइप्स। फिजन कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन सा होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फिजन। देखते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है, द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म क्या है, ये ब्रेक डाउन होता है और इससे एक, दो या एक जो है नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या हो रहा है इसमें, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, जिससे दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। देखते हैं बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन कौन सा, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये तीन किसके एग्जांपल होते हैं, बाइनरी फिजन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन। नाम से ही पता चला मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब हो गया मेनी, बहुत सारे। द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म। जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट होता है, मींस ब्रेक डाउन होता है और बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, ये मलेरिया डिजीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है, मलेरिया डिजीज। मलेरिया में क्या होता है, जैसे कि वो जो उसका पेरेंट्स है वो क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन उसके अंदर होता है वो ब्रेक डाउन होता है, उसकी जो वॉल होती है वो ब्रेक डाउन होती है, तो एक ही बार में मींस फर्स्ट टाइम में बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, बहुत सारे लार्वा का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है, तो वो किसके अंदर आ गया, वो आ गया किसके अंदर, मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग के बारे में कि बडिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग की, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बड विच देन डिटैच एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये क्या, इसमें एग्जांपल दिया गया हाइड्रा और ईस्ट का। जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है, इससे जो है एक बर्ड का अटैचमेंट हुआ है, ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में, मतलब प्रॉपर कंडीशन में ये क्या हुआ, ये बर्ड जो है ये पेरेंट से अलग हो गया, क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है। फिर उसको जब सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये बर्ड क्या होगा, ये जर्मिनेट होगा, क्या होगा, ये जर्मिनेट होगा। तो क्या हुआ, बर्ड जो है पहले पेरेंट से अटैच था, उसके बाद वो सुटेबल कंडीशन में क्या हुआ, पेरेंट से अलग हो गया। अलग होने के बाद तब क्या होगा, ये इसको जब प्रॉपर कंडीशन मिलेगी, यही बर्ड क्या होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो एक पेरेंट से क्या हो रहा था, एक नए ऑर्गेनिज्म का फिर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें यही चीज लिखा है कि बर्ड क्या था, वो पेरेंट्स की बॉडी से अटैच था, अटैच होने के बाद वो सुटेबल कंडीशन में अलग होने के बाद फिर उसी बर्ड से क्या हुआ, एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी रखा गया है बडिंग, और इस तरीके से क्या होता है, ईस्ट में भी होता है, ठीक है। बडिंग का एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रा और ईस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नाम से ही पता चला, स्पोर्स, स्पोर्स होता क्या है, स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक जो तुम्हारे नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, वो स्पोर्स हो गए। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस अ 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड द स्पोर्स। इट विल स्प्रेड इन टू एयर अंडर द फेवरेबल कंडीशन दैट इज डैम एंड द वॉर्म। They germinate and produce a new pair, new organism. क्या होगा, new organism या new plant, नए plant का formation होगा। जैसे कि example दिया गया है rhizopus और mucor, ठीक है। rhizopus जैसे बहुत सारे minute spore का formation किया, ठीक है, बहुत सारे spores produce हुए, ठीक है। spores क्या होंगे, air में क्या होंगे, spread हो जाएंगे, means फैल जाएंगे। फैलने के बाद क्या होगा, ये कहीं भी ऐसे गिर गए, ठीक है, जैसे उनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी, प्रॉपर कंडीशन मिलेगी जो उसको चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, जो कंडीशन उसे चाहिए स्पोर्ट्स को, जब वो कंडीशन उसे मिलेगी तो वो स्पोर्ट्स क्या होगा, जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद क्या करेगा, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, राइजोपस और म्यूकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनरेशन। नाम से पता चला, रीजनरेशन मीन्स जो है किसी भी चीज का दोबारा से जनरेट होना। री का मतलब होता है दोबारा, जनरेशन का मतलब होता है जनरेट होना, किसी भी चीज का दोबारा जनरेट होना उसे कहते हैं रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द रीजनरेशन। जो बॉडी पार्ट है उसी से जब दोबारा से हमें हमारी बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं, दोबारा से मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, वो अलग हो चुका, उसके बाद फिर से एग्जैक्ट बॉडी पार्ट हमें दोबारा मिला, उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को जो है कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेनेरिया हो गया, और क्या हो गया, हाइड्रा, क्या क्या, हाइड्रा। देखो आप बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम ने अभी बताया बडिंग जो है, बडिंग हाइड्रा में भी होता है, अब रीजनरेशन भी हाइड्रा में होता है। हाँ बच्चों, बडिंग भी हाइड्रा में होता है और रीजनरेशन भी हाइड्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो दोनों एक साथ दिए रहेंगे, दोनों में से एक ही दिया रहेगा, ठीक है, जो दिया रहेगा उस पर हम टिक कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हो गया प्लेनेरिया की बॉडी है, ठीक है, ये प्लेनेरिया है, ये क्या होगा, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से, जैसे ये तीन पार्ट में ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक, फिर से इसी से तीन नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, हमारी बॉडी, जैसे ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ बॉडी पार्ट, बॉडी का पार्ट था, बॉडी के पार्ट से क्या हुआ, हमें फिर से हमारी पूरी बॉडी फिर से मिल गई, दोबारा से मिली, तो वो क्या हो गया, रीजनरेट, मीन्स हमारी बॉडी क्या हो रही, दोबारा से जनरेट हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है किसमें, प्लेनेरिया में होता है, और किसमें होता है, हाइड्रा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इन टू टू पीसेस ऑन मेच्योरिंग ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म अ कम्प्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक मल्टी सेलर का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हो, तो इन्हें कहते हैं मल्टी सेलर। तो बॉडी है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होना, क्या होना है, इसका ब्रेकडाउन होना है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकडाउन होना,
और ये क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार का फ्रेगमेंट है। क्या है? फ्रेगमेंट है, तो फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इसीलिए क्या है, ये फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंट जो है ब्रेक डाउन हुए हैं, फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हुआ, फिर यही आगे जाके ग्रो करेंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल इसका होता है स्पायरोगेरा और क्या होता है सी एनिमल्स। देन नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अ न्यू प्लांट आर ऑब्टेंड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट लाइक अ स्टेम रूट एंड लीव्स। कोई नए प्लांट का फॉर्मेशन होना, नए प्लांट का बनना किससे, प्लांट के किसी भी पुराने पार्ट से। जैसे कि हम प्लांट का स्टेम ले ले, लीफ ले ले, उसका रूट ले ले, उससे हम क्या कर रहे हैं, उसी से नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट के किसी एक्स प्लांट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज किए। यहाँ पे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या है, प्लांट का एक्स प्लांट है, एक्स प्लांट क्या ले रहे, एक्स पार्ट कौन सा ले रहे, प्लांट का रूट ले ले हम, स्टेम ले ले या उसका लीफ ले ले, उससे जो नया प्लांट बना रहे हैं वो किसके अंदर आता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल में जैसे ब्रायोफाइलम हो गया, क्या करते हैं, हमें लीफ मिल गया तो क्या करते हैं, लीफ को हम डाल दें, रख दें, काफी दिनों बाद क्या होगा, एक नया ब्रायोफाइलम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है, प्लांट के जो है एक्स पार्ट से जो है क्या हो रहा है, ब्रायोफाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन है। इस तरीके से हम पोटैटो में भी करते हैं, मनी प्लांट में भी करते हैं, अनियन में भी करते हैं, बनाना में भी करते हैं, गार्लिक, टर्निप, मिंट, स्ट्रॉबेरी एंड द लिली। इस तरीके से बहुत सारे स्पीसीज का यूज करके, बहुत सारे प्लांट इस तरीके से हम यूज करते हैं, उनका एक्स पार्ट लेते हैं और उससे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। देन नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट फ्रॉम द वन प्लांट बाय अ मैन मेड मेथड मीन्स जो है प्लांट, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन करना, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन करना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बोल सकते हैं, या आर्टिफिशियल मेथड बोल सकते हैं, या हम उसे बोले मैन मेड मेथड, क्या बोल सकते हैं, मैन मेड मेथड। अब इसमें क्या क्या आता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में, पहला तो क्या, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब कटिंग नाम से पता चला, किसी भी चीज का कट करना। फिर उसके बाद ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्या हो गया, किसी भी चीज, दो चीज को आपस में ज्वाइन करना। लेयरिंग का मतलब हो गया बहुत सारे लेयर्स का फॉर्मेशन होना। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन और क्या बोल सकते हैं, मैन मेड मेथड भी बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कटिंग की। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड द कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं, प्लांट का एक स्मॉल पार्ट हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम उससे नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कटिंग। जैसे हम रोज में क्या करते हैं, उसकी स्टेम, मेनली स्टेम को कट करना और उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन करना, उसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। ये तीन मेथड थे, किसके थे, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के। तो क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल रोज, ग्रेप्स, सुगर केन और बनानास। देन नेक्स्ट इज लेयरिंग। अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज फोल्ड टूवर्ड द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट्स कवर्ड अ मॉइस्ट सॉइल लीविंग अ टिप ऑफ द ब्रांचेस। जैसे ये प्लांट है, ठीक है, और इसकी खूब सारी ब्रांचेस निकली है, और ये क्या, प्लांट तो सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। जैसे इसकी एक ब्रांच जो है वो ग्राउंड से क्या हुई, टच हो गई। ठीक है, जब वो ग्राउंड से टच हो गई तो इसी से क्या हो गया, नए प्लांट का फॉर्मेशन होने, लीव्स का फॉर्मेशन होने लगा, रूट्स का फॉर्मेशन होने लगा, फिर इसी से क्या हुआ, नया प्लांट बन गया। फिर ये आगे जाके और कंटिन्यू होगा और बहुत सारी ब्रांचेस का फॉर्मेशन करेगा, फिर इससे नया प्लांट बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर मींस लेयरिंग हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लेयरिंग। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, लेमन और गवावा। देन नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। इट इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट इज ज्वाइंट। इसमें क्या किया जाता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जैसे दो प्लांट लिया जाता है, उसकी स्टेम को इस तरीके से कट किया जाता है, फिर दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, क्लॉथ से। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, दो अलग अलग प्लांट के स्टेम को कट किया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है और एक सिंगल प्लांट बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग अ रूट। जैसे कि जो हमने स्टेम की कटिंग की, उस जिस प्लांट की जैसे कटिंग की, इसके पास जो ये रूट प्रेजेंट है, ठीक है, जिस प्लांट के पास रूट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। देन नेक्स्ट इज जो हमने दूसरा प्लांट कट किया,
उसमें उसका तो रूट होगा नहीं, रूट रूट को आपस में हम तो ज्वाइन करेंगे नहीं। जैसे एक प्लांट का हमने नीचे से कट किया जिसमें रूट प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरे प्लांट की हम ऐसे कटिंग करेंगे उसकी अपवर्ड, मतलब ऊपर से कटिंग करेंगे, उसका रूट रीजन नहीं लेंगे, तो हम ऊपर से उसको ऐसे दूसरे प्लांट को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये जो नीचे वाला था जिसके पास रूट प्रेजेंट था उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होगा जिसके पास रूट नहीं होगा उसे क्या बोलते हैं, सायन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल हो गया, जैसे एप्पल हो गया, एप्रिकॉट हो गया। अब देखते हैं कि ये जो हमने मेथड सीखे हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये तीन मेथड हमने सीखे किए और पढ़ भी लिया होता क्या है और किसके किसके अंदर होता है। अब हम देखते हैं कि ये आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का बेनिफिट क्या होता है, मीन्स इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेज क्या होते हैं। पहला एडवांटेज है, अ न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड विल बी एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स। इस मेथड में जो नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है किसके, अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स डू नॉट टेक मेनी टाइम। फूड का फॉर्मेशन मीन्स अ प्लांट में फूड का फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी उसका फॉर्मेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट इज द प्लांट ग्रो बाय दिस मेथड डू नॉट टेक मेनी अटेंशन। जो हम प्लांट की ग्रोथ ऐसे कराते हैं नॉर्मली उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, शुरुआत में भी अटेंशन देना पड़ता है और एंडिंग में भी। तो बट हम जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में उसमें हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज मेनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट। अगर एक पेरेंट प्लांट से ही हम बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं इस मेथड से। देन नेक्स्ट इज वी कैन ऑल्सो ग्रो सीडलेस प्लांट बाई दिस मेथड। इस मेथड का यूज करके मीन्स आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड का यूज करके हम सीडलेस प्लांट की भी ग्रोथ करा सकते। सीडलेस प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जिसके अंदर सीड ना प्रेजेंट हो उनकी भी हम ग्रोथ करा सकते हैं, मीन्स फ्रूट में सीड ना प्रेजेंट हो उन प्लांट की भी हम ग्रोथ करा सकते हैं बाई द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट हमारा है टिश्यू कल्चर। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम। एक ग्रोथ मीडियम लेते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं और उसी से बहुत सारे प्लांट मीन्स मल्टीपल प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। इसलिए उसका नाम ही रखा गया टिश्यू कल्चर। मीन्स किसी भी कल्चरल मीडियम में प्लांट का कोई भी एक्स पार्ट लेते हैं उससे हम बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस मेथड इज नोन एज टिश्यू कल्चर। अब देखते हैं एडवांटेज क्या होता है टिश्यू कल्चर का। सबसे पहले एडवांटेज ये है, इट इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक। बहुत ही कम समय लगता है प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए, तो ये कैसी टेक्निक होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट टेक्निक। देन नेक्स्ट इज द प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर डिजीज फ्री। और जो हम प्लांट बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर वो कैसा होता है, डिजीज फ्री, मीन्स उसको कोई भी डिजीज नहीं रहती उस प्लांट को। देन नेक्स्ट इज वी कैन ग्रो प्लांट एवरी ईयर और अराउंड अ ईयर। मीन्स हम टिश्यू कल्चर ये नहीं देखते हैं कि कौन सा सीजन चल रहा है, सीजन वाइज इसकी हम ग्रोथ नहीं कराते, हम किसी भी ईयर में कभी भी जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज कर सकते हैं, कभी भी हम प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वेरी लिटिल स्पेस आर नीडेड। और बहुत ही कम समय लगता है इसमें टिश्यू कल्चर मेथड में, बहुत ही कम समय लगता है प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए। आज का लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू।